नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो आज हम आए हुए हैं भीमताल में और मैं आपको बताऊंगा भीमताल की कंप्लीट डिटेल कि आप यहां पे कैसे घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह है यहां पे घूमने की और कितना आपका यहां पे खर्चा आएगा। तो जो ये भीमताल है ये नैनीताल के पास में स्थित एक खूबसूरत लेक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा लेक है, जैसे ये नैनीताल लेक है उसी तरीके का प्राकृतिक लेक है ये भी एक, और काफ़ी लोग यहाँ पर भी आते हैं, जो नैनीताल आते हैं वो यहाँ पर भी आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग होती हैं, कुछ और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कैसे इन सबको कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और मिलते हैं इसके बाद आगे और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। दोस्तों, नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि नैनीताल के आसपास बहुत से प्राकृतिक झीलें हैं और उन्हीं में से एक प्रसिद्ध झील है भीमताल। ये टूरिस्ट प्लेस अपनी झील और प्राकृतिक सुंदरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। क्योंकि ये झील नैनीताल से मात्र 24 किलोमीटर दूर है, इसलिए नैनीताल आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ भी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग, जोरबिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसी ही कुछ और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ पे पहले पहुँच सकते हैं। भीमताल आने के लिए आपको पहले आना होगा हल्द्वानी में। तो मैं आपको दिल्ली से रूट बता देता हूँ। दिल्ली से हल्द्वानी के लिए बसें और ट्रेन दोनों मिल जाती हैं। दिल्ली से हल्द्वानी की दूरी है 270 किलोमीटर। तो आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं, आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप सस्ते बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप बस से आ सकते हैं, जो सिंपल बसें होती हैं रोडवेज की उनसे आ सकते हैं, और ट्रेनें भी काफ़ी सस्ती में पड़ जाती हैं रिजर्वेशन की, तो वो भी आप उससे भी आ सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा भीमताल के लिए हल्द्वानी से, और हल्द्वानी से भीमताल की दूरी है 28 किलोमीटर। इसके लिए आप हल्द्वानी या काठगोदाम दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, दोनों ही आसपास हैं। तो जब आप हल्द्वानी पहुँचेंगे तो यहाँ से टैक्सियाँ भी आपको मिल जाएंगी और यहाँ के लिए बसें चलती रहती हैं, तो बसें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप सस्ते रेट में जाना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं। बस का किराया यहाँ पर काफ़ी कम है, बस का किराया लगभग 60 रुपये करीब बैठता है, तो उसमें आप पहुँच सकते हैं भीमताल। बाकी इसका रूट सेम है, जो नैनीताल जाने वाला रूट है वही रूट भीमताल का है, लेकिन बीच में से एक रास्ता अलग कट जाता है, तो वहाँ से आप भीमताल जा सकते हैं। और अगर आप नैनीताल के लिए जाना चाहते हैं तो आप नैनीताल के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। तो जब आप यहाँ से पहले भीमताल पहुँचेंगे तो आपको जो ये मार्केट है ताल के ही आसपास है सब कुछ, तो आप यहाँ पर पहुँच के ताल में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये बोटिंग होती है, कितना यहाँ पर चार्जेस रहता है और कैसे आप यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे भीमताल में घूमने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जिनमें से सबसे पहला तो है ये भीमताल। तो ये एक लेक है जो कि प्राकृतिक लेक है और काफ़ी बड़ी लेक है, नैनीताल की तरह ही ये एक प्राकृतिक लेक है। यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है, तो यहाँ पर अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। 250 रुपये से 500 रुपये तक का चार्जेस है, अलग अलग बोट का अलग चार्जेस रहता है। तो 250 रुपये वाली बोट में भी आप दो आदमी इसमें बोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं बोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे जोरबिंग भी होती है, इसके अलावा भी कुछ और एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो जो ये भीमताल है काफ़ी बड़ी एक झील है और इसके बीचों बीच में एक टापू सा बना हुआ है जहाँ पे एक्वेरियम है, कई तरह की यहाँ पे मछलियाँ रखी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बोटिंग करते हुए आपको यहाँ तक घुमाने के लिए ले जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत ये झील है और साल भर पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो नैनीताल से पास होने का यही कारण है कि नैनीताल वाले पर्यटक भी यहाँ घूमने ज़रूर आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं लोकेशन, नैनीताल की तरह यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो नैनीताल में पैराग्लाइडिंग नहीं होती है, उसके लिए आपको यहीं भीमताल ही आना होगा। और भीमताल में आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर कई सारी जगहों पर पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। जब आप मार्केट में आएंगे तो कई आपको टूरिस्ट ट्रैवल वाले मिल जाएंगे जो आपको पैराग्लाइडिंग कराने के लिए बता देंगे। 1500 रुपये तक इसका चार्जेस रहता है, कोई कोई 1200 रुपये तक में भी चार्जेस लेते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए और वो करना चाहते हैं पैराग्लाइडिंग, तो उसका चार्जेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने वालों के लिए तो ये जगह बहुत ही शानदार है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अलावा, जैसे कि जिप राइडिंग हो जाती है और फॉक्स राइडिंग, इस तरीके की कुछ और एक्टिविटी यहाँ पे होती हैं, तो उनका भी आप यहाँ मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भीमताल में ये चाय के बागान देखना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है भवाली, और भवाली से भी लगभग 7 किलोमीटर दूर है ये टी स्टेट्स। तो ये जो टी स्टेट है यहाँ पे जाके आप चाय के बागान देख सकते हैं, 20 रुपये चार्जेस रहता है यहाँ पे, वो आपको चाय पत्ती के बारे में काफ़ी नॉलेज भी देंगे और यहाँ पे चाय की प्रोसेस कैसे होती है, उसकी फैक्ट्री भी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी शानदार जगह है भीमताल के आसपास घूमने के लिए। यहाँ तक के लिए गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो ही आप यहाँ तक जा सकते हैं। गाड़ियाँ जो चलती हैं वो दिन भर में एक या दो ही चलती है, तो इसलिए गाड़ी के लिए काफ़ी दिक्कत रहती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ भीमताल में एक और ख़ास जगह में घूम सकते हैं जो है नौकुचिया ताल। ये भी एक लेक है भीमताल की तरह ही, ये भी एक प्राकृतिक और काफ़ी बड़ी लेक है, तो उसमें भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ भीमताल से 8 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप भीमताल में 2 से 3 दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं तो आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन में तो केवल यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और बोटिंग वगैरह ही कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप नौकुचिया ताल भी जाना चाहते हैं और टी स्टेट घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वहाँ के लिए गाड़ियाँ वगैरह कम ही चलती हैं, तो आपको अपनी गाड़ी या टैक्सी बुक करा के ही वहाँ तक जाना होगा। इसके अलावा भीमताल से नैनीताल की दूरी है 24 किलोमीटर, तो अगर आप साथ में नैनीताल भी घूमना चाहते हैं तो 24 किलोमीटर दूर है, आप यहां से आसानी से नैनीताल पहुंच सकते हैं और वहां पर भी घूम सकते हैं। अब अगर बात की जाए भीमताल में रुकने की, तो आपको यहां पे होटल्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। यहां पे आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे, सस्ते से लेकर महंगे तक के। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको होटल काफ़ी सस्ते मिलेंगे, अगर ऑन सीजन में आते हैं तो उस टाइम पर थोड़ा चार्जेस बढ़ जाते हैं। और अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन पहले ही बुक करा लीजिए, ओयो से करा लीजिए, गो आईबीबो से करा लीजिए, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन होटल बुक कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओयो का लिंक दिया है, अगर आप वहाँ से होटल बुक करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप यहीं आके डायरेक्ट ही होटल बुक करा सकते हैं। लेकिन सीजन टाइम पर ध्यान रहे, यानी मई जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आके अगर आप होटल बुक करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, बाकी टाइम होटल आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो होटल हैं वो 800 रुपये से 1500 रुपये का एक रूम मिल जाएगा, तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, और अगर आप ऑन सीजन में आते हैं यानी मई जून जुलाई के टाइम पे आते हैं तो यही कमरे आपको 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के मिलेंगे। और अगर बात रही यहाँ पे खाने पीने की, तो खाना पीना अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो 100 रुपये का एक टाइम का बैठेगा आपका, तो 3 टाइम का आपका 300 रुपये है। 2 आदमी अगर साथ में आते हैं तो यहाँ पे होटल्स वगैरह का किराया शेयर हो जाएगा, तो ये भी सब चीज़ सस्ता बैठ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग है, बोटिंग है, या कुछ और भी जो जिप लाइनिंग है, ये सब करते हैं तो 2000 ये भी मान लीजिए कि आपका इसका भी खर्चा अलग सा आ जाएगा। इसके अलावा आप भीमताल के जो आसपास के प्लेसेस हैं उन पे घूमने के लिए जाते हैं टैक्सी बुक करा के, तो ये मान लीजिए 1000 रुपये आपका आने जाने का भी बैठ जाएगा। तो जो टोटल खर्चा आपका यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे रहने का, खाने का और इधर उधर जाने का, एक्टिविटीज़ करने का, वो लगभग 5200 रुपये बैठ जाएगा। ये मैं केवल यहाँ के चार्जेस बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जहाँ से आ रहे हैं आप वहाँ के चार्जेस अलग से ऐड कर लीजिए, जैसे कि दिल्ली से हल्द्वानी तक का जो किराया बैठता है बस का, वो लगभग 300 रुपये तक का बैठता है, और ट्रेन का भी लगभग 200 रुपये रहता है रिजर्वेशन का, नॉर्मल जो रिजर्वेशन होती है, तो आने जाने का ये जोड़ लीजिए, उसके बाद आप जहाँ से आ रहे हैं वो चार्जेस भी इसमें जोड़ के इतना आपका टोटल खर्चा यहाँ घूमने का आ जाएगा। और इन सब जगहों पे आप लगभग 2 से 3 दिन में घूम लेंगे, और 2 से 3 दिन का टाइम ही लेकर आइए, तभी आप आराम से इन्जॉय करते हुए इन सब चीज़ों को घूम पाएंगे। तो आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ डालते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।